इसलिए उनको हम वॉश कर लिए बहुत अच्छे तरीके से। और मैं कर रही हूँ मोलिया का पानी चाय, इससे क्या गुड़िया को अपने फेस में 2 से 3 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। हर शाम को बिल्कुल भी साफ पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उसके लिए ये अलग से तैयार अमेजा करना पड़ रहा है कि जब वो मांगे मैं उसको दे दूँ। शबद मिर्चों को हमें करेंगे क्रश, आपको सारा हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये साग जो बिल्कुल काफ़ी हद तक नीचे हो गया था, मैंने इसको अपने प्रेशर कुकर में अब शिफ्ट कर दिया है। ये देखें, ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ये सब्ज मिर्च चॉप की हुई है, अब ये मैं इसके अंदर सभी सब मिक्स कर दूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसमें डाल दिए और इसको हम आहिस्ता से इसको हम मिक्स कर देंगे। और हम थोड़ा टाइम इसका वेट करेंगे, इसको हम ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि अपनी स्टीम में और अच्छे तरीके से ये मैंने इसको ढाँक दिया। और ये नॉर्मल से मैंने आँच रखी हुई है तो इसे ये अच्छी तरह ये पक रहा है। क्या मैंने इसको प्रेशर में इसको कर दिया, अब मज़ीद इसको मैं इसको बैठ इसकी पकने दूंगी क्योंकि ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो अब इसमें हम जो हमने चॉप की हुई है ये सब्ज मिर्च, मैंने ये सारी मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। हाँ जी, जैसा कि जैसा इसमें हमने आपको दिखाया था, लेकिन मैंने इस पर सब्ज मिर्च डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया और इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए नॉर्मल सी आंच पर हम इसको स्टीम करा देंगे। ये देखिए, मैंने इसका फ्लेम भी स्लो कर दिया है, हल्के से फ्लेम पे हम इसको 1 घंटे का टाइम। इसमें नमक भी हम लोगों ने डाल लिया है, मिर्च भी डाल लिया है, सब मिर्च डाली है, बस बकाया जो इसका प्रोसीजर तरीकेकार वो हम आपको बाद में भी बताते हैं। ये जैसा कि हमने अदरक और लहसुन जो है एक एक पाव लिया है, इसको अच्छी तरह छील लिया है और ये सब धनिया काट लिया है। और ये हम इन अब अदरक लहसुन का पेस्ट बना के अब तड़के का तरीका आपको बताते हैं। हाँ जी, ऊपर ही पकाना चूल्हे के ऊपर ऐसे, क्योंकि इससे इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा खुशक होता है, उससे मुलायम ज़्यादा होता है साग। ये भी प्याज है, अभी छींटे बहुत पड़ते हैं और हमेशा ये नहीं उतरेगा बेटा, ये नहीं उतरता है, बाहर निकाल के ये जी। इसमें लहसुन और अदरक डाला है क्योंकि सब्ज़ मिर्च हमने पहले से डाल दी थी, इसको ग्राइंड करके ये हमेशा डालना है। और ये देखिए हम इसको मिक्स करें, ये आटा है ना मिर्च जितनी इसको मिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, आपने इतनी रखनी थी, लेकिन स्पीड की थोड़ी तेज आंच होनी चाहिए, स्लो पे ही हमें करना है। आधा पाव, 6 किलो मतलब साग था, आधा पाव उसमें ये जाएगा। हाँ जी, मोनो मोनो मोनो। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी 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 तो अब क्या कह रही हूँ, धनिया हम ये लास्ट पर डालेंगे, ये तड़के का सामान, तड़के का सामान रखा होगा ना, बस थोड़ी देर और है, अल्लाह करे बन जाएगा इंशाल्लाह। ये चीज़ हमारी सारी रेडी है, सबको थोड़ी देर करना है और फिर ये चीज़ें डाल देंगे, उसके बाद ना फिर हम तड़का लगाएंगे साथ में रोटियाँ मक्खन लगा के। ये बन गया हमारे
पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया है और जो हमने ये लिया था इसमें जो मर्जी खाए पिए आपका तो साग वैसे बहुत अच्छा सेहत के लिए बहुत मुफीद है ये, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हम तो ये ख़त्म होने देते हमारे घर में तीन गाइस नाश्ते में ये बहुत पसंद करते हैं हम इसको, आप इसको पका के ज़्यादा हो तो फ्रीज भी कर सकते हैं जैसे आप चाहिए हो। माशाल्लाह इसके कितना अच्छा घी ऊपर आ गया, बहुत प्यारा इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह से फाइनल लुक आ गई है। देखिए बहुत ही अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छा और टेस्टी बन गया है। देखिए मेरे माशाल्लाह मैं और अम्मी जान खाने का टाइम हो गया और हम ये खाना खाने लगे हैं। आ जाएं आप भी हमारे साथ खाएं और आप बना के खा के हमें बताइएगा कि हमारे आपको ये तरीका कैसा लगा। खान ये साग ये रोटी के ऊपर लगा के हम लोगों ने खाना है, ये ले इस तरह। ये देखिए जो हमने बहुत ही मज़े का लग रहा मुझे तो, और ये हमारा जो मूलियों का मेज़ा मैंने तैयार किया था इस तरह। आप एक बॉक्स अपना बॉल और उसको अच्छी तरह टाइट करके स्टोर कर लेना, फ्रिज में स्टोर कर ले, और चाहे आप इसको वीक में भी यूज़ कर सकते हैं। ये किसी स्मेल वगैरह नहीं होती, लोग इसे अवॉइड करते हैं, उनको इरीटेट होता है तो अब उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हाँ अब आप मुझे दिख बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब पेज को करिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी ना आप भी ट्राई करिएगा, बिल्कुल अच्छा ही बनेगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।